नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अब बड़ी कार्रवाई की गई, जहां आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर को कुर्क किया गया है। ये कार्रवाई गुड्डू मुस्लिम के चकिया वाले घर पर की गई है। ढोल नगाड़े बजाकर इस बात की सूचना लोगों को दी गई। गौरतलब है कि गुड्डू पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, जिस पर लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड में खुलेआम बम बरसाने वाले माफिया अतीक अहमद के गुर्गे बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर पुलिस ने एक बार फिर से शिकंजा कसा है, जहां प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने भगोड़ा घोषित किए गए गुड्डू मुस्लिम के घर पर कुर्की की कार्रवाई की। दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गुड्डू मुस्लिम के इस मकान को सील किया था, तो कोर्ट से अनुमति लेकर पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के घर का ताला तोड़ा और एक एक करके सारे सामान को बाहर करके कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने ढोल नगाड़ा पिटवाकर आसपास के लोगों को कुर्की की कार्रवाई के बारे में जानकारी भी दी। गौरतलब है कि गुड्डू मुस्लिम के बम से ही उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। घटना के बाद से गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन साथ में फरार हुए थे। तब से लेकर आज तक उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने फरार गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम भी रखा हुआ है। वहीं पुलिस ने इससे पहले गुड्डू मुस्लिम के शिवकुटी वाले मकान को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में कुर्क किया था। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ और पुलिस ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मुंबई, दिल्ली, पुणे तक की खाक छानी है, लेकिन अतीक का ये शातिर बदमाश अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है और लगातार फरार चल रहा है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब, अतीक का शूटर अरमान, साबिर और गुड्डू मुस्लिम लगातार ठिकाने बदलकर फरारी काट रहे हैं, जिससे पुलिस को इनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। वहीं एएसपी अरुण कुमार का कहना है कि सभी आरोपियों पर कुछ इनपुट मिला है, जल्द ही रिजल्ट सामने होगा। योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर को कुर्क कर दिया है। पुलिस लगातार अतीक के हर एक करीबी पर शिकंजा कस रही है। वहीं जल्द शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, अतीक का शूटर अरमान साबिर पर भी तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।